अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा में नरेंद्र मोदी की रैली में पीएम मोदी ने कहा शर्म सैम्पित्रुदा को नहीं राहुल गांधी को आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए मजबूत सरकार चाहिए। अब तक 6 चरण के हुए मतदान में कांग्रेस की बुरी हार तय है, वह 50 सीटें भी नहीं पाने जा रही है। इससे पहले रैली में पहुँचने पर उनका स्वागत मोदी मादी के नारों से लोगों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री यहाँ बठिंडा संसदीय सीट से अकाली प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल के समर्थन में रैली को संबोधित। भाई जी कि में हो सहता कि में है घर परिवार दमदबा साहब की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। गुरुओं के पास आकर हमेशा ही मुझे एक सुखद अनुभव होता है। सरदार प्रकाश जी बादल और दूसरे वरिष्ठ साथियों के साथ जो भी समय पंजाब में मैंने बिताया है उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। साथियों, आपने 5 वर्ष पहले जो मजबूत सरकार बनाई उसका काम आपके सामने है। आज पूरी दुनिया में भारत की साख नई बुलंदी पर है। दुनिया भर में बसे मेरे पंजाबी भाई बहन भी इसके गवाह हैं। भारत को 21वीं सदी की एक महान ताकत बनाने के लिए फिर एक बार मजबूत सरकार की जरूरत देश को है। यही कारण है कि 6 चरणों में देश ने एनडीए के पक्ष में मत दिया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस आज पूरे देश में 50 सीट पाने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास नेता कंफ्यूज है और सोच डिफ्यूज है। ऊपर से अहंकार चरम पर है। कांग्रेस की नीतियां बनाने वाले राजीव गांधी जी के खास सलाहकार और वर्तमान में ये नामदार के गुरु, उन्होंने 84 के दंगों को लेकर जो कहा उसको पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई है, ये आप भी देख रहे हैं। साथियों, नामदार के ये खास अमेरिका से आए हुए, उनके गुरु ने कहा है कि 84 में जो हुआ वो हुआ। ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है। साथियों, आज मैं बठिंडा से पूरे पंजाब की तरफ से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक वो इसी तरह हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती रहेगी। भाइयों और बहनों, मैं देख रहा था कि नामदार ने अब अपने गुरु को कहा है कि जो कुछ गुरु ने कहा उस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए।
मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर नामदार आपने गुरु को किस बात के लिए डांटने का दिखावा कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के दिल में हमेशा था, नामदार परिवार की चर्चाओं में हमेशा था, वो नामदार के गुरु ने सार्वजनिक रूप से वो राज खुला कर दिया, क्या उसके लिए आप उनको डांट रहे हो? क्या नामदार के गुरु को घर की बात बाहर बताने के लिए डांटा जा रहा है? अरे नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। 1984 के सिख दंगों को आज 35 साल हो गए हैं। कांग्रेस की करतूतों की वजह से आज तक इन दंगा पीड़ितों को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। इंसाफ के नाम पर कांग्रेस वाले कमेटी बनाते गए, कमीशन बनाते गए, इतने गंभीर मामले को रफा दफा करते रहे। इतना ही नहीं, गंभीर आरोप वालों को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री भी बनाया, गंभीर आरोप वालों को चुनाव की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, पंजाब का प्रभारी बनाया गया। जब इसकी आलोचना हुई, पंजाब में जबरदस्त विरोध हुआ और तो फिर उनको पंजाब से प्रभारी से हटाने का ड्रामा किया। लेकिन फिर आपने क्या किया? सारी आपत्तियों को नजरअंदाज किया, पंजाब की भावनाओं का अपमान करके आपने उसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। और भाइयों और बहनों, मैं देश के लोगों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि नामदार जब अपने दरबारियों को डांटते हैं, उन्हें शर्म की याद दिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं उदाहरण बताता हूं। एक वर्ष पूर्व गुजरात का मैं चुनाव था, उस चुनाव के समय उनके परिवार के खासम खास और उनके भी वो सलाहकार हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बड़बोले भी हैं। गुजरात के चुनाव के दिनों में उन्होंने मेरे लिए अपशब्द बोले, मुझे नीच कहा और गुजरात में लोगों का पारा गर्म हो गया। जब पारा गुजरात का गर्म हो गया तो सारे कांग्रेस वाले इधर उधर भागने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो कांग्रेस को बचाने के लिए, दिखावे के लिए उन्होंने ड्रामा किया, उनको पार्टी से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? कुछ समय के बाद उस करीबी व्यक्ति को पूरे सम्मान के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ पार्टी में फिर से स्थान दे दिया। और इसलिए मैं फिर कहूंगा, नामदार, शर्म आपको आनी चाहिए। हुआ तो हुआ, मतलब क्या है? हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया गया, परिवारों को तबाह कर दिया, और बेशर्मी से कह रहे हो हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ।
1984 में जो कुछ हुआ उसने पूरी इंसानियत को तार तार कर दिया था। आपके इस चौकीदार ने इंसाफ का वादा आपसे किया था। 2014 में बादल साहब के साथ खड़े रह करके मैंने आपको वादा किया था कि आपके न्याय की लड़ाई मैं लड़ूंगा। बादल साहब के आशीर्वाद से आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि एक को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है और बाकियों को उम्र कैद मिली है और जो अभी बचे हैं वो भी ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस की एक और ऐतिहासिक गलती है जिसको सुधारने का काम अब हो रहा है। 1947 में कांग्रेस ने बंटवारा तो करा दिया लेकिन हमारी आस्था के केंद्र करतारपुर साहब जी को कुछ ही किलोमीटर के फासले में पाकिस्तान में जाने दिया। ये हमारी आस्था के प्रति कांग्रेस की असंवेदनशीलता का प्रतीक है। आज हम यहां कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं तब भी कांग्रेस के लोग पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पंजाब के हजारों लाखों सपूत सरहद पर नक्सल इलाकों में सीना तान कर खड़े हैं लेकिन कांग्रेस को हमारे इन जवानों की भी कोई परवाह नहीं है। हुआ तो हुआ, वाले अहंकार में ही कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो, अपना ढकोसला पत्र भी बनाया। उसमें कहा गया है कि जान हथेली पर रखने वाले हमारे जवानों को, जान हथेली पर रखने वाले हमारे जवानों को वे हिंसा इलाकों में उनको जो विशेष अधिकार मिलता है उसको हटा देंगे। कांग्रेस चाहती है कि आतंक के पैरोकारों और पत्थरबाजों को हमारे जवानों को लहूलुहान करने का लाइसेंस मिल जाए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की तैनीतियों ने हमारे जवानों को भी खतरे में डाला है और देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है लेकिन आज पाकिस्तान को नए हिंदुस्तान के दम का एहसास हो गया है। हमारे वीर सपूतों ने घर में घुस करके मारा और पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। भाइयों और बहनों, जवानों के साथ इन्होंने किसानों के साथ भी ऐसी ही ठगी की है। 10 साल में एक बार कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटते हैं और उसमें भी घोटाला कर देते हैं। यहां पंजाब में तो कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी की बात की थी, उसकी क्या सच्चाई है ये भी पंजाब का एक एक किसान जानता है। ऐसी ठगी करने की क्या जरूरत थी? और आपकी ठगी का परिणाम है जिस पंजाब ने हिंदुस्तान को जिंदा रखा, जिस पंजाब के किसान ने हिंदुस्तान का पेट भरा, उस पंजाब का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो, इससे बड़ी दर्दनाक कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन आपने यह किया और उसको सदमा पहुंचा है ठगी का, उसको गुस्सा आया है, उसके साथ धोखा हुआ उसका। और कैप्टन साहब, पंजाब का आदमी आपकी गलती माफ कर सकता है, आपका धोखा कभी माफ नहीं करेगा। भाई और बहनों, एक तरफ कांग्रेस के झूठे वायदे हैं तो दूसरी तरफ हमारे ईमानदार प्रयास है। हमने संकल्प लिया है 2022 तक किसान की आय दोगुनी, 20 से बाजार तक काम हम कर रहे हैं।
कपास सहित लगभग 2 दर्जन फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय कर दिया गया है। वहीं फूड प्रोसेसिंग को लेकर भी हरसिमरत जी के प्रयासों से तो आप भली भांति परिचित है। अब तो किसान के खाते में सीधे पैसे भी एनडीए की सरकार द्वारा जमा कराए जा रहे हैं। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तभी इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। पंजाब के हर किसान को ये मदद दी जाएगी। साथियों, किसानों को पानी मिले इसके लिए सतलुज यमुना सहित हमारी जितनी भी नदियां हैं उनके पानी का पूरा उपयोग करने का भी हमारा प्रयास है। कांग्रेस के कारनामों के कारण इतने वर्षों तक हमारे हक का पानी पाकिस्तान जा रहा था, उसको रोकने का काम हमने शुरू कर दिया है। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए यहां एम्स जैसी सुविधाएं दी गई है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज संभव हो रहा है। भाइयों और बहनों, श्री अकाल तख्त दमदमा साहब, केसगढ़ साहब, पटना साहिब और हुजूर साहिब के बीच कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए भी काम किया जा रहा है। नांदेड़ से अमृतसर के लिए एक विशेष फ्लाइट भी चलाई जा रही है। साथियों, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे देश का माथा ऊंचा रहे इसके लिए हमें केंद्र में एक मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, जीएसटी लंगर कितना विवाद कर रहे थे, ये हम ही है जिसने लंगर को जीएसटी से बाहर कर दिया। भाइयों बहनों, मैं विशेषकर पंजाब के फर्स्ट टाइम वोटरों से, हमारे नौजवानों से कहूंगा, इस चुनाव में आपका वोट बहुत ऐतिहासिक है, महत्व का है। आपका वोट 21वीं सदी के भारत की भूमिका तय करेगा। याद रखिएगा, तराजू के निशान पर पड़ा आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। एक बार फिर बादल साहब का पंजाब, पंजाब के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विकी दीप के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।